बुलंदशहर में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। मामला नारोरा थाना क्षेत्र के राजघाट का है, जहां दबंग प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर गरीब परिवार को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस को शिकायत पर धमकी भी दे डाली। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब दबंगों की शिकायत करने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। मेरे पैसे थे, मुझसे 20,000 एक ले लिए उधार, उधार के बाद फिर मैंने मेरे गन्ने के पैसे 22,000 मैंने मांगे थे, तो होरी पे इनने लड़ाई वो लेके बात को देंगे, होरी के बाद हमने मांगे थे। अब तो मेरा लड़का मांगने गए, मैं भी गई थी, फोन करके न बुलाया कि पैसे ले लो। पैसे के बाद मेरे उनने गाली गलौज करी मुझसे, बहुत रंडी संडी से तरह गाली दी थी, और मेरे बच्चे की ईट मारी थी पीछे से कि साले सुबह सुबह चले आता है यहाँ पे। कौन लोग हैं वो? वो लोग प्रधान है, प्रधान है, प्रधान के भैया हैं। एक महिला ने थाना नरोरा राजघाट ग्राम में अपने प्रधान पे आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस संबंध में उसके प्रार्थना पत्र मिल गया है, इस पर जाँच कराई जा रही है, जो भी दोषी हुआ उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई है। वहीं पीड़ित परिवार ने एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर जान माल की गुहार लगाई और एसएसपी को लिखित में शिकायत पत्र सौंपा। बुलंदशहर से इकबाल सैफी, पंजाब केसरी टीवी।